ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? ये लाइफ जैकेट है, ये कंपनी की बनी हुई है, हमारी एनडीआरएफ की टीम के पास होती है, पर इसको आप लोग भी तैयार कर सकते हो। इसमें जो थर्माकोल होता है उसके पीस काट के और ऊपर से कपड़ा लगा के तैयार किया जाता है। 72 घंटे तक इसकी लाइफ होती है। पानी में अगर आप कहीं ऐसी नौबत आ रही है कि पानी में गहरा है और आपको स्विमिंग भी नहीं आती और पानी को पार करना है, तो इस तरह की आप कोई बाढ़ वाले क्षेत्र में रहते हो या कहीं बाढ़ की संभावित क्षेत्र में कहीं फंस जाते हो, तो इस तरह से आप बनाकर, और नॉर्मली इसको ज्यादा भी करना है तो इस तरह से रस्सी बांध देनी है जिससे ये निकले ना, और इसको पहन के हल्की स्विमिंग, जिसको हल्की स्विमिंग भी आती है वो भी अपने आप को तैरा के ले जा सकते, एक सुरक्षित स्थान पर अपने आप को ले जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल आ रही समझ में। अच्छा, दूसरा ये है, पानी में क्या होता है, किसी आदमी का वजन 90 किलो होता है तो उसका 30 किलो हो जाता है, 1/3 हो जाता है, और इस बोतल की कैपेसिटी इतनी होती है कि 2 लीटर की है तो 6 लीटर तक के, 6 लीटर की कैपेसिटी का काम करती है पानी में। ये हमारे पास 5 या 6 बोतल बांध सकते हैं हम, तो इसका वजन 40 किलो है तो 40 किलो का 1/3 हो जाएगा पानी में। इसमें ध्यान रखना यह है कि जो बोतल है अच्छे से ढककर बंद हो और इसको टाइट करके बांधना है, और हल्की स्विमिंग करके भी पानी में हम तैर सकते हैं अपने आप को, ये पानी में आपको डूबने नहीं देगी। ये सारी वो चीजें तैयार करके दिखाई जा रही है आपको जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। एक चीज और, बोतल का मुंह जो है ना वो हमेशा नीचे की तरफ रखना है, ना कि ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ रखोगे तो बोतल का ढक्कन खुल डूबने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। कहीं मेले वगैरह में या कहीं ऐसी जगह आप फंसते हो, लग रहा है डूब रहा है, किसी की मदद करनी पड़े, छोटा वाला आपको अगर ज्यादा तैरना आता है तो आप ये ना समझे कि आप तैर लोगे। और पानी में क्या होता है, सरफेस पर लगता है कि छोटे वाला बाइक वहां रखा लगा रखा सर। अच्छा, सरफेस पे क्या होता है, पानी लगता है नॉर्मल, पर पानी का नीचे पानी में क्या कंडीशन होती है, पानी जो ऊपर दिखता है उतना नॉर्मल दिखता है, पर नीचे क्या होता है 2 फीट पानी की गहराई में, पानी में करंट होता है बहुत ज्यादा, तो पानी अपने आप खींच लेता है। तो उस समय क्या है, कुछ इस तरह का अगर आपके पास मैनमेड या कुछ इस तरह की आपने चीज बना रखी है तो आप पानी में नीचे नहीं डूबोगे और अपना किसी की मदद कर सकते हो। सेम उस तरह से ये बांस के बंबू, इनमें कोई बड़े डिब्बे भी ले सकते हो, अभी कोई बर्तन भी ले सकते हो, उसके ऊपर पन्नी बांधकर इस तरह से तैयार कर सकते हो, इससे बड़ा भी बना सकते हो, ये छोटे है, और इसको इसको पकड़कर आराम से पानी के साथ आराम से तैर सकते हो और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हो। सेम इस तरह से लकड़ी का या सूखी लकड़ी का बांस का कोई बंबू बनाकर इसकी मदद से भी आप अपने आप को बचा सकते हो या किसी की जान बचा सकते हो। कोई आदमी डूब रहा है उसके पास इस तरह का कुछ बना के तभी जाना है, ऐसा नहीं जाना कि आपको तैरना आता है तो वो क्या हो आप तो भी डूबा देगा और खुद भी डूब जाएगा। कभी कभी देखा होगा ना आपने, किसी को बचाने जा रहा है तो उसका भाई या कोई रिलेटिव वो भी डूब जाता है, या कोई अच्छा बहुत ज्यादा तैरने वाला होता है वो भी बचा पाता है डूब रहे हुए आदमी को। अगर आपने इस तरह की कोई चीज ले रखी है तो उसको आप आसानी से बचा सकते हो। ये भी नहीं है कुछ इस तरह की कैनी वगैरह प्लास्टिक की, ये क्षेत्र ऐसा है मेले वगैरह हर जगह लगते हैं तो वहां काफी घटना घटती है डूबने की, इस तरह की कैनी का 2 या 3 जो भी मिल जाए रस्सी से आपस में बांध लो और उसको अपने बॉडी से या चेस्ट से बांध कर आप किसी डूबते हुए को बचा सकते हो और अपने आप को सुरक्षित स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो। कभी भी डुबान पानी में बिना किसी इस तरह की चीज के नहीं जाना, चाहे कितना भी आपको तैरना आता है। ये कंपनी का बना हुआ है, इसको बोया बोलते हैं, आपने यहाँ देखा होगा ट्यूब वगैरह इस तरह के नदियों में डालते हैं, सेम उसी के सिद्धांत पर बना हुआ है, पर ये हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, उसमें कभी कभी पंचर रहता है पर इसमें पंचर भी नहीं होगा। ये कंपनी के भी मिलते हैं मार्केट में, पर एनडीआरएफ के पास काफी मात्रा में होते हैं, तो जब भी कभी की ऐसी कंडीशन बनता है तो आप ट्यूब का या कुछ इस तरह का बाइक वाइक का जो टायर ट्यूब होता है उसको इस तरह से बनाकर उसमें रस्सी बांधकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई तरीके हैं जैसे आपको कुछ ना कुछ इस तरह का, आपके पास में स्कूल बैग तो है ही है ना, इसमें 4 पानी की बोतल डाल लो ढक्कन बंद करके और उसे लेके कूद जाओ। सूखे बांस का इस तरह का लैडर बनाकर भी ये भी आपकी मदद कर देगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नदी पार करना हो या किसी को बचाना हो। ये सभी चीजें का पर्पज एक ही है कि आपको कुछ ऐसी चीज रखनी साथ में जो आपको डूबने ना दे, आप अपने आप को भी निकाल लो और कहीं ऐसी नौबत है किसी को बचाना तो उसको भी बचा लो। ये बोट इस तरह की ये बड़ी बना सकते हैं हम, 6x6 या 8x8 के बांस लेकर इस तरह से बना सकते हैं। सारी चीजें वो है ना जो लोकल में कहीं भी उपलब्ध हो जाएंगी, बांस कहीं भी मिल जाते हैं नदी किनारे, आपने देखा होगा डंडे सूखे, कभी कहीं ऐसी कंडीशन बने तो कर लो किसी की मदद, अरे अपने आपको भी बचा लोगे।
और कोई भी ऐसा मत करना, खाली आपने ये देखा इतना बड़ा देखा और इतना बड़ा बना, पानी में बहादुरी नहीं दिखानी, क्योंकि पानी में क्या करंट ज्यादा होता है, थोड़ी देर स्विमिंग करोगे आप अच्छा लगेगा, फिर थक जाओगे फिर दिक्कत आती है। ऐसा बना सकते हो, बनाना है आपको जितनी आपकी हाइट है आप उतना बड़ा बनाइए, आपको आराम से दूसरा बंदा जहाँ भी है वो उसको बचा सकता है। ये सारी चीजें वो दिखाई गई है जो इजिली मिल जाती है सब जगह, इतना बड़े रूप में बना सकते हो आप, उसको बड़े रूप में यूज करना है, ना कि आप ऐसा छोटा रूप बना लो और आप उसको देखे कुंज जाओ। कभी भी डूबते हुए के पास बचाने के लिए नहीं जाना, इस चीज का ध्यान रखना, जाना है कुछ इस तरह की चीजें दिमाग में आज बताई जा रही आएगी आपको, तो इस तरह का बना के तभी उसके पास जाना है।